हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोमो ऑटो मार्ट। और अभी की अपडेट ये है कि ये सिविक जो है हमारे पास, इसका बम्पर अब हम रैप कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास डिंकी की ऑल्टो आई हुई है, इस पर हमने इंटीरियर में डायनामिक लाइट्स लगवानी है। दूसरा, ये रात में गाड़ी हमारे पास आई हुई थी, इसका दिन में लुक देख सकते हो। माशाल्लाह इन्होंने ग्रिल जो है हनीकॉम कार्बन फाइबर में डिप करवाई है और फ्रंट जो है वो टाइपर 2 में फिट करवाया है। साइड मिरर इन्होंने बैटमैन कार्बन लगवाए हुए हैं। अभी जो इसमें काम हो रहे आया है वो हम इसकी सीट कवर्स और इसकी रूफ जो है वो ब्लैक कर रहे हैं। आजकल जो है ब्लैक रूफ का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है। हर बंदा जो है वो रूफ जो है अपनी ब्लैक करवा रहा है। पूरा सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है स्वेट में हो जाती है। बाकी ये अभी इसको स्प्रे कर रहा है ताकि डस्ट पार्टिकल्स जो है बिल्कुल बैठ जाएँ और फिर वो इसके बम्पर को रैप करेंगे। सो बॉयज, अभी हमारे पास जो है आजकल रूफ लाइनर का बड़ा डिमांड चल रही है। एक रूफ लाइनर ये पड़ा हुआ है हमारे पास, इसका सामान हमने खोल लिया है। वो सामने सिविक है, उसका रूफ लाइनर खोल चुके हैं। बाकी जो ट्राइबॉन है, ट्राइबॉन का रूफ लाइनर हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोसीजर में चल रहा है। इसके साइड सारे पापड़ियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये सब हमने स्वेट में कर लिया है। अभी ये प्रोसीजर इसका चल रहा है। कर दिया, आधा कर दिया भाई है, आधा कर चुके हैं ये भाई लोग। चेक कराओ ज़रा, उठाओ इसको ऊपर। ये देखो भाई, ये हाफ इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। ये सनरूफ वाला हिस्सा ये कटेगा अभी, ये प्रॉपर कॉर्नर टू कॉर्नर फिनिश हो जाएगा। ये बबल आ रहा है भाई, बबल चेक करो, सारे बबल बबल एंड में चेक करेंगे ये। बाकी जो है 7 की हमने अभी पॉलिश वगैरह करवाई है, प्रॉपर खूबसूरत लग रही है पूरी। हाँ, बम्पर फ्रंट हो चुका है और इसकी लिप अभी रैप करनी है वो। तो भाई अभी हमने इसका जो है सारा रूफ उतार चुके हैं हम, और जो है अब हम चल रहे हैं इसको कैट लगवाने के लिए। जो हमने अभी सेंसर लिया है वो हम इस पर प्लेस करने के लिए एग्जॉस्ट वाले के पास जा रहे हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और इसके नीचे जो है इधर ये कट ऑफ वॉल लग जाएगा, और कट ऑफ वॉल जो है वो ये पड़ा हुआ है। अभी इसकी वेल्डिंग होगी, और अभी हमारे उस्ताद ने बोला है कि मैं इसको देसी तरीके से अपना कट ऑफ वॉल बनाऊंगा। उस्ताद आप बनाओ, बेचने वाले हम बनेंगे। हाँ भाई, तो ये अभी ये हम इसको छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि दुकान पे और भी काम जो है वो करें और फिर हम आके इसको रिसीव करेंगे। सो गाइस, ऑल्टो में हमने अभी डैशबोर्ड में डायनामिक लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ये अभी मीटर के अंदर से वायरिंग वगैरह जा रही है। यार ये बहुत ही कोई खूबसूरत आइटम आया। बाकी इसके डोर पैनल्स तो मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। इंटीरियर ऑल्टो का जो है वो वन ऑफ इट्स काइंड है, ये वाला बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये भी अभी हमारे पास अवेलेबल हो गई है। बाकी जो है अपडेट ये है, क्या है तेरे को मसला भाई? बम्पर इसका रैप, चलो आओ बम्पर रैप करवाओ। बम्पर अब इसका फ्रंट कर दिया। फ्रंट बम्पर का है, फ्रंट बम्पर और लिप भाई इसने रैप कर ली है। और जो है ये दरवाज़ा भी हमने यूँ छोड़ा हुआ है कि इसमें थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, वो पेंटर आएगा तो हम उसको सेट करवाएंगे। आओ बम्पर को साइज नापो। सो भाई अभी हमने एग्जॉस्ट उसका सिस्टम लगवा लिया है और अब इसको चेक करने के लिए हम आए इधर। अभी फ़िलहाल ये ऊपर रखा हुआ है। गाड़ी स्टार्ट कर दी बेटा, रेस दो। और ये रेस दी थोड़ी, रेस दो। अपडेट ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये गाड़ी जा क्यों नहीं रही है। ये ना हम इसके ऑनर से ही पूछते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। अबे भाई क्या हो गया, तुम ये गाड़ी ले जा क्यों नहीं रहे हो यार? आपकी फिनिशिंग में मजा नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं कट ऑफ लगवाने जा रहा हूँ। भाई इसकी गाड़ी का सीन ये है कि इसकी गाड़ी का वेट ये हो रहा है कि हमने इसका रूफ वगैरह पूरा उतारा हुआ है और जो है इस पे हमने करनी है स्टार लाइट, और स्टार लाइट का हो रहा है वेट। स्टार लाइट हमने ऑर्डर की हुई है और ऑर्डर हमने अर्जेंट किया था। लेपर्ड वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? इनकी तो सर्विस की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। बॉस बस ये पीस पे थोड़ी सी हमारी फिनिशिंग की प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने पेंटर से इसको वापसी अस्तर लगवाया और बाकी सामान हमारा इसका कंप्लीट है। और ये आपको दिखाते हैं इसका स्वेट, ये चेक करो आप। यार ये जो लुक आएगा ना इंशाल्लाह, इसके सारे पिलर विलर जो बैच कलर के थे सब हमने चेंज कर दिए हैं। सनरूफ के अंदर का भी इसको स्वेट कर दिया है
अब इसमें लगानी है हमने स्टार लाइट्स का वेट है। दूसरा अभी हमें बैठे बैठे एक सीन समझ में आया कि गाड़ी स्टॉक है तो इसमें क्यों ना कट ऑफ वॉल लगाए, और अब हम चलते हैं कट ऑफ वॉल लगाने। चले बॉस, चले आ जाए। हाँ तो भाई, कट ऑफ वॉल का सीन ये होता है कि आप रिमोट से अपनी गाड़ी को जो है एग्जॉस्ट उसका जो है लाउड और लो कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं साइलेंसर वाले के पास और वहाँ पे इसको फिटिंग पे देकर आते हैं। सो भाई, अब हम पहुँच गए हैं हमारे वेल्डर उस्ताद के पास और उस्ताद जो है अभी अपनी साइंस लड़ा रहे हैं कि कहाँ लगाएं इसको। उस्ताद का नाड़ा हम जो है वो कर देंगे, कोई सीन सवाड़ा कर देंगे उस्ताद के नाड़े के साथ ना। भाई ऐसा कुछ नहीं करना। कट ऑफ वॉल हमने लगा लिया है और चेक कर रहे हैं ये। अब चलाओ, अब ऑन करो, लगाओ। सो बॉयज, अभी हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है और गाड़ी के स्टार लाइट्स हमारे पास आ चुकी हैं। दूसरा जो है हम इस पे भी, ये गाड़ी आई हुई है, इस पे हम मैटिंग कर रहे हैं 5D। इसकी सीट कवर्स भी ऑर्डर पे तैयार करवाए हैं हमने, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और इसका स्वेट जो है ये पड़ा हुआ है। बाकी ये है कि इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारे पास आई हुई है एक रैली टकोमा और उसको करना है हमने रैप, और रैप इसका पूरा ग्रेफिटी रैप है। सो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।